हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हमें बनारस जंक्शन में, और आज दिवाली का दिन है, रात का 3 बज रहा है सुबह का, और अभी अभी स्टेशन से हम निकले हैं। हमने सोचा दिवाली के दिन बनारस में घूमेंगे, तो अपने मित्र के साथ आए हैं। और ये पीछे हमारे जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है बनारस का स्टेशन है, ये वाराणसी जंक्शन। गैस कहाँ खड़े ही रहे हो, तुम्हारो आ जाए कहाँ पोज ले हो, यूं देख ही रह रहा है, हाय कर दो। हाय गाइस, बस ठीक है। तो ये भी थे, तो यूं कर ले आवा, खुश हुई जाइए ये बात है। तो गाइस ये स्टेशन, अभी थोड़ी देर में हम लोग आगे निकलेंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे और घाट पहुंचेंगे। तो घाट की एक एक तस्वीर वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, तब तक ये यहाँ का ऐसा नज़ारा है। ये है गाइस बनारस जंक्शन। इस समय गाइस हम लोग पान खा रहे हैं, और ये दुकान है पान का, बनारस का पान, तौलिया का पनवा किया इधर। ये दुकान मिली है हमका, हम कहे ना बनारस का बहुत नाम सुना पान का, आज हम खा के देखबे कैसा स्वाद होता है। तो देखते हैं पान यहाँ का कैसा होता है भाई साहब। ये देखिए गाइस ही बना रहे हैं, ये जगत डलवा के खा रहे हैं पान। ये देखिए जगत की चटक तमाकू, ऐसा ना करो कि खत्म ही हो जाए यार रास्ते में। बढ़िया मीठा हमारे लिए चटपटा पान बनाइएगा भाई साहब, बना रहे हैं बनारस का पान। बोला बना रहे भैया, लव नहीं कर रहे हैं। ग्लोरी कह रहे बना दे तो कह रहे नहीं। अरे वो ये देख लो गाइस, बनारस का पान है, बन रही है पूरे पान की। ये बनारस का पान है, सामने रेलवे स्टेशन है बनारस का, इसके जस्ट सामने इनके भाई की दुकान में आइएगा और पान खाइएगा। दुकान का क्या नाम है? रवि पान शॉप। रवि पान शॉप, बहुत बढ़िया पान बनाते हैं। और ये देखिए गुलकंद वगैरह, देखिए कितना बढ़िया डाल दिया इन्होंने, जो कहा गया है बनारस का पान वैसा ही स्वाद दे रहे हैं ये। तो इनकी दुकान जरूर आए, रवि पान शॉप में, और पान जरूर खाएं बनारस का। इतना तो बड़ा पान हम मुँह में ना जाइए यार। आप आ रहे हैं? वाह, स्टेशन का भी लुक आ रहा है। पान बहुत अच्छा है, हमारे तो आवाज उनके लिए पान। लेकिन भाई ने बहुत बढ़िया बनाया है, उनकी दुकान जरूर आई होगा। ये देखिए गाइस, इस समय हम पान खा के निकल चुके हैं और घाट की ओर बढ़ रहे हैं, यानी गुदौलिया चौराहा की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बनारस का सबसे फेमस चौराहा है, और वहीं से आगे की तैयारी शुरू होती है। तो गुदौलिया चौराहा देखिए, सुबह का 4 बज रहा है, भीड़ कितनी भयंकर है, सब माला फूल और जितने लोग हैं सब भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ये दिवाली के दिन का वीडियो है, थोड़ा लेट अपलोड हमने किया है, लेकिन आप लोग इंजॉय करिए, देखिए कितना ज़्यादा रस है यहाँ पर, कितनी भीड़ है। एक सेकेंड आए तो देखिए गाइस, ये गदौली चौराहा से सीधा रास्ता गई है, लिखा लखनऊ चिकन हाउस। यहाँ भी साला चिकन ही बिकता है। अरे चिकन यार, मतलब चिकन का कपड़ा, चिकन। हाँ अच्छा, चल के गुदौलिया का पनवा खियाई दे, ओ राजा हम का बनारस घुमाई दे। देखिए कितना सुंदर है, यही है बनारस शहर, और हमारा दोस्त भी भूत बना। हाँ दिखा रहा आपने आपको, लखनऊ से मैं आया हूँ नवाबों के शहर। ए आप बताओ, दर्शन किए जाए कि प्रदर्शन किया जाए?
नहीं हमारी इच्छा ना बताओ, अपनी बताओ। मार दो हमको, थोड़ा एक दो घंटा आराम करना, तो हम भी आराम कर लेंगे। तक ये छटा काली नहीं, आराम से यार देखो किया जाए दर्शन, बहुत भगाग नहीं मची है, शांति से, शांति का सही जब तक काली है तब तक। गाइस ये बनारस, ये देखिए भीड़, अपार भीड़ बनारस की। आज दीपावली का दिन है, ये लंबी लाइन लगी है गाइस। ये हमारा दोस्त प्रणाम करते हुए पावन नगरी को, भोज बाबा की नगरी है। देखिए कितनी भीड़ है, अन्नपूर्णा माता के लिए ना। बाहर का घोटा है यार, बहुत दिख रही है गोपाल। वाह यार ये भी बढ़िया। Who are you? Where are you going? I'm fine, thank you. Shingi Pangi Konge, इधर से आओ। ए तो गाइस हमारे साथ इस तरीके बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसकी बिल्कुल ना करिए। मैं आपको दिवाली के पावन उपलक्ष में बनारस नगरी बाबा की, विश्वनाथ बाबा की नगरी को मैं पूरा दिखाऊंगा, पूरा दर्शन कराऊंगा मेरे चैनल के माध्यम से। इसी तरीके देखते हैं, देखिए कितनी लंबी लाइन, ये सब लोग दर्शनार्थी हैं, सब दर्शन करने के लिए आतुर हैं कि कब भोले बाबा के दर्शन मिलेंगे। लगा था कुछ कुछ तो लगा था वेस्ट इंडीज से या डायरेक्ट आए हैं। ये जो लाइन लगी गाइस, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है जो कि साल में कभी नहीं खुलता है, तीन दिन खुलता है, जिस दिन दिवाली होती है, धनतेरस होती है और छोटी दिवाली होती है, तीन दिन खुलता है। तो आज का दिन दिवाली का दिन है, इसीलिए ये इतनी लंबी लाइन लगी है। और ये लंबी लाइन बिल्कुल पीछे से चली आ रही है, वो माता के दर्शन के लिए, वो सोने की माता है और उनमें चेहरे में चमक है। तो हम भी इस भीड़ का हिस्सा होंगे और हम भी माता के दर्शन करेंगे। क्यों जिज्ञासु, करेंगे कि नहीं करेंगे? जब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करने में क्या जाता है, तो दर्शन। और बड़ा सौभाग्य है, कुछ पुण्य उदय हुआ पूर्व जन्म का हम लोगों का, जो यहाँ तक खींच के ये धरती लाई है ना। हाँ बोलो राव, बोलो भोलेनाथ की जय। अभी देखो उनका भूड़ बार बहु गुस्सा है, देखो हमारे मुंह से भी बिल्कुल शब्द चुन के निकलता है। अब ये ठंडाई वाली जगह है, भांग धतूरा है ठंडाई, तो बोले ना टच हो रहा है ना, तो देखो ठंडाई देखते ही निकला तुमको देखते ही। तो ये देखिए यहाँ की अच्छी भीड़ है और हम इसी तरीके आप लोगों को दिखाते रहेंगे और जोड़े रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ओम नमः शिवाय। गाइस इस समय हम लोग बनारस की धरती पर हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये देखिए पीछे हमारे कितना सैलाब है, कितनी भीड़ है। और ये जगह पटका टक्का पच्चे पा पो, ये सब लोग भी हैं और पूरा हिंदुस्तान यहाँ आया हुआ है। बाबा के दर्शन बड़े आज दुर्लभ है भैया, आज दुर्लभ क्योंकि आज दीपावली का दिन है और पूरा इंडिया आया, वेस्ट इंडीज और चेन्नई, बंगाल, हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ आया हुआ केवल किस लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए। समझ लीजिए कि उनकी महिमा कितनी बड़ी है और हम लोगों को परम सौभाग्य है कि हम लोग भी उनके इस धराधाम में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बुलाया है भाई तो आए हैं, बिना कार्ड के थोड़े ना आए। हम लोगों का इन्विटेशन दिए ने सपने में दोनों लोगों का, इसके भी सपने में आए, लखनऊ से था भाग के आया ये लड़का और मैं, मेरे भी सपने में आएगा। नूट बे चल बैग पैक कर, मेरे द्वार पे तुझको आना दर्शन करना, मैं आ गया। तो देख लीजिए बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में हम सभी लोग चल रहे हैं और यहाँ की भीड़, यहाँ के लोग सब पवित्र हैं क्योंकि तो ये धरती पवित्र है, यहीं तो रहते हैं भोले बाबा। तो आगे मिलते हैं और नई नई चीज़ें लाते हुए। सुबह का 5 बज रहा है, समझ लो 5।